नमस्कार दोस्तों, साक्षी रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन कर लेते हैं तो ऐसे में आपका गला सूखने लगता है, यानी आपको प्यास लगने लगती है, काफी तेजी से प्यास लगने लगती है। तो दोस्तों इसकी कारण क्या है? दरअसल दोस्तों अगर आप अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं उस समय अगर पानी की मात्रा कम करते हैं, यानी अल्कोहल के साथ पानी का मात्रा कम करते हैं, आप अल्कोहल के साथ कोल्ड ड्रिंक या सोडा मिलाकर उसका सेवन करते हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, जिसके वजह से आपको अत्यधिक प्यास लगती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके साथ पानी की मात्रा अत्यधिक करें, क्योंकि इससे आपके शरीर में पानी की कमी कम होगी। दरअसल दोस्तों जब आप अल्कोहल का अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो ये आपके लीवर के ऊपर एक पतली परत बनाकर आपके लीवर के कार्य क्षमता को यह कम कर देता है, यानी आपके लीवर का कार्य क्षमता धीरे हो जाती है और लीवर का पानी सोखने लगता है। अल्कोहल लीवर का पानी सोखने लगता है, जिससे लीवर आपका धीरे काम करने लगता है। ऐसे में आपको बहुत ही तेजी से प्यास लगती है और कोई प्यास लगती है। ज़्यादातर से व्यक्ति लोग प्यास लगने पर तुरंत ही झटके से पानी पी लेते हैं, जो कि उनके लीवर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको अत्यधिक प्यास लगती है अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने के बाद से अगर आपको प्यास लगती है तो झटके से पानी का सेवन ना करें। ऐसे समय में आप कुछ खा के पानी पिए, इससे आपके हाथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झटके से पानी पी लेते हैं यानी प्यास लगने पे, तो इसमें क्या होता है कि आपके हाथ में सूजन हो सकती है, जिससे आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। और साथ साथ अल्कोहल के साथ कभी भी सोडा का सेवन ना करें। उसमें आप अल्कोहल के साथ पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, जिससे आपके शरीर में पानी का लेवल स्तर बना रहे, यानी आपके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ हों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं।